हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल टेक मिल्कित प्लम्बर में। तो दोस्तों, आज एक बहुत ही खूबसूरत बाथरूम की वीडियो लेके आ गया हूँ दोस्तों आप लोगों के सामने। जो यहाँ पे डिवाइडर लगा हुआ है फाइव वे, तो वो लीकेज कर रहा था, उसका वीडियो है। वैसे तो ये मैं वैसे वीडियो आप लोगों को खूबसूरत बाथरूम दिखा रहा हूँ शूट करने के लिए। तो ये वाला दोस्तों आर्टिस्ट का लगा हुआ है फाइव वे थर्मोस्टेट वाला डिवाइडर, जो कि बॉडी जेट भी चलते हैं, ऊपर रेन शावर भी चलता है और नीचे स्पाउट भी चलती है। तो दोस्तों ये वाला लीकेज कर रहा था, तो इधर देखो ये वर्षा कंपनी की टाइल्स लगी हुई है, बहुत ही खूबसूरत बाथरूम है, गोल्ड बाथरूम बना हुआ था, बट पानी की वजह से ख़राब हो गया ये सारा, क्योंकि पानी के अंदर बहुत सारा शोर है, तो यहाँ पे हार्डनेस बहुत ज़्यादा है पानी के अंदर। तो ये सारा गोल्ड था पहले बहुत ही खूबसूरत बाथरूम था, तो अभी ये देखो यहाँ पर लीकेज हो रही है इसकी। तो ये वाला ही मेन पार्ट है दोस्तों, ये वाला ही मेन पार्ट है, ये लीकेज अभी बंद करेंगे, इसको रिपेयर करेंगे, रिपेयर करके आप लोगों को दिखाऊंगा। तो प्लम्बर भाई थोड़ा ध्यान से देखें ये वाला वीडियो पूरा, तो जो प्लम्बर भाई जो पूरा वीडियो देखेगा उसको ही सीखने के लिए कुछ ना कुछ मिलेगा इसके अंदर, जो ये पूरा वीडियो नहीं देखेगा उसको सीखने के लिए कुछ भी नहीं मिलेगा। तो ये प्लम्बर भाइयों के लिए खास करके वीडियो है, तो इसको मैं अभी रिपेयर करूंगा आप लोगों के सामने पूरा प्रोसेस, पूरा वीडियो थोड़ा लंबा बनेगा, लंबा ही आप लोग को देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे इसकी रिपेयर करूंगा, इसकी कार्ट्रिज निकालूंगा, कार्ट्रिज निकाल के उसको अच्छी तरह से रिपेयर करके फिर इसको दोबारा इंस्टॉल करूंगा, और 100% इसकी लीकेज बंद होएगी दोस्तों, क्योंकि मैं पहले भी कर चुका हूँ इसकी रिपेयर एक दो जगह पर पहले भी। तो आप लोग पूरा वीडियो देखो, स्किप मत करना। तो जो मेरे भाई मेरे चैनल पे नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ के साथ घंटी को दबाओ, जो कि अगला वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको पहले से ही मिल जाए। दोस्तों आप लोग वीडियो देखते हो पूरा, तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो उसके साथ साथ के साथ वीडियो को लाइक भी कर दिया करो और शेयर भी कर दिया करो। तो दोस्तों ये देखो हिंदवेयर की ऑटोमेटिक सीट लगी हुई है यहाँ पर, बहुत ही खूबसूरत बाथरूम है, लग्जरी बाथरूम यहाँ पर बना हुआ है दोस्तों। तो इस बाथरूम की मैं रिपेयर करूँगा, तो अभी मैं आप लोगों को थोड़ा वीडियो दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे सारा सामान ही गोल्ड लगा हुआ था, तो गोल्ड पानी की शोरे की वजह से, ये कार्ट्रिज भी शोरे की वजह से ही ख़राब हुई है। तो अभी इसको रिपेयर करूँगा, तो रिपेयर करके आप लोगों को पूरा वीडियो दिखाऊँगा, तो आप लोग पूरा वीडियो देखना ज़रूर। तो यहाँ पर ये देखो टावल स्टैंड भी गोल्ड ही लगा हुआ है इधर, तो ये प्लेट भी नीचे गोल्ड है, तो ये वाला भी सारा सिस्टम है। तो अभी मैं आप लोगों को खोल के दिखा रहा हूँ। तो इस तरह से दोस्तों ये वाली कार्ट्रिज निकलेगी, आप ध्यान से पहले ऊपर से पानी बंद कर लेना, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर पंप लगा हुआ था, पानी काफ़ी था। तो इस तरह से इस कार्ट्रिज को आप लोग खोल लो, थोड़ा मोबाइल सीधा से वीडियो बन गया है, तो आगे बीच में आ जाएगा रेक्टेंगल में, तो थोड़ा ध्यान नहीं रहा था क्योंकि बाथरूम के अंदर पता नहीं चला, तो वीडियो थोड़ा टेढ़ा ही शूट हो गया है। तो आगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर थोड़ी दूरी के अंदर तो पूरा वीडियो बन जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से ये कार्ट्रिज निकलती है, ये देखो इसके अंदर 5 और 6 पॉइंट्स हैं। तो अभी मैं इसको खोल के रिपेयर करके दिखाऊंगा दोस्तों, बड़े ध्यान से ये रिपेयर करनी पड़ती है, काफ़ी नाजुक होती है, तो आप लोगों को दिखाऊंगा ये वाली। तो आप लोग ज़रूर वीडियो को पूरा देखो। तो अभी मैंने इस कार्ट्रिज को खोल लिया है बड़े ध्यान से, तो इसके अंदर एक एक पार्ट्स निकाल लिया दोस्तों, और पार्ट्स को अच्छी तरह से साफ़ करूँगा आप लोगों के सामने ही, आप लोगों को पूरा वीडियो दिखाऊंगा। तो लिक्विड सॉफ ले लिया मैंने, लिक्विड सॉफ के साथ ये वाला इसको साफ कर रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि ये डिफिकल्ट काम कई बार खुद करने पड़ते हैं, बाकी तो लड़के कर लेते हैं। तो इस तरह से ये पहले भी हम लोग कर चुके हैं एक बार रिपेयर, तो सक्सेसफुल रहा है, तो ये भी 100% सक्सेसफुल रहा है, क्योंकि इसके अंदर शोरा वगैरह जम चुका है। तो इसको अच्छी तरह से साफ करके, तो ये बीच में जो निकलता है इसके सिल्ली, तो ये भी साफ़ कर रहे हैं हम लोग। तो साफ़ करके इसको अच्छी तरह से सारे पार्ट्स को, क्योंकि 5-6 पार्ट्स हैं दोस्तों, पहले इसको ध्यान से खोलो, एक एक पार्ट्स को पहले खोलो, खोल के उसको अच्छी तरह से देखो, एक एक पार्ट्स निकालो बीच में से, क्योंकि ये 6-7 तरह का होता है, इसके अंदर 2 छोटे छोटे स्प्रिंग भी होते हैं, एक हल्का सा इसके अंदर स्प्रिंग दिया गया छोटा, और एक मूविंग वाला एक नट दिया गया है। तो अगर वो घूम गए तो दोस्तों ये कार्ट्रिज किसी काम की नहीं रहेगी। तो बी केयरफुल, इसको बड़े ध्यान से खोलो, ध्यान से खोल के एक एक चीज़ को देखो, देख के फिर ही इसको रिपेयर करो। अगर आप लोग थोड़ी सी अनगहली करोगे तो ये काफ़ी कॉस्टली होती है, कम से कम 2-3 हज़ार रुपये की ये कार्ट्रिज होएगी। अगर एक ही इसके अंदर पार्ट घूम गया तो ये किसी काम की नहीं रहेगी, तो कस्टमर का नुकसान हो जाएगा बहुत ज़्यादा।
तो दोस्तों इस तरह से इसको अच्छी तरह से मैं ट्यूब ब्रश लेके ट्यूब ब्रश के साथ इसको अच्छी तरह से वॉश कर रहा हूँ। वॉश करके और बहुत ही बढ़िया तरीके से इसको साफ करके फिर इसको लगाएंगे, इसको इंस्टॉल करेंगे, तो फिर इसको आप लोगों को दिखाऊंगा मैं दोस्तों। तो आप लोग पूरा वीडियो देखना, स्किप मत करना। तो अभी प्रोसेस के अंदर चल रहा है, तो अभी हम लोग इसको एक एक पार्ट्स को इसके वॉश कर रहे हैं। तो देखते चलो पूरा वीडियो। तो इसकी जो ये पित्तल वाली रॉड है इसको भी अच्छी तरह से आप साफ़ कर लेना। मैंने थोड़ा इसको पहले भी साफ़ कर लिया था, तो अभी ये वाला पार्ट्स भी आप इसको बहुत ही अच्छी तरह से इसको साफ करो। तो आप लोग देखते रहना पूरा वीडियो, तो दोस्तों स्किप मत करना। जो मेरे भाई मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो और साथ के साथ घंटी को भी दबा दो, जो कि अगला वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको पहले से ही मिल जाए। दोस्तों इसी तरह इस तरह के रिपेयर वाले वीडियो देखना चाहते हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। और बहुत ही खूबसूरत वीडियो काम के रिलेटेड बनाता हूँ मैं ज़्यादातर, तो बीच में थोड़ा थोड़ा एंटरटेनमेंट भी कई बार हो जाता है, वो वाले भी बना लेता हूँ। तो अगर कोई और भी आप लोग वीडियो किसी चीज़ के बारे में देखना चाहते हो तो नीचे कमेंट कर दो, तो जल्दी मैं वो वाला वीडियो भी बना दूँगा आप लोगों के लिए। तो अभी ये सारा प्रोसेस आप लोगों के सामने ही चल रहा है, तो आप लोग देख ही रहे हो कि किस तरह से इसको टाइम लगता है पूरा साफ़ करने में, पूरा वॉश करने में, एक एक पार्ट्स को अच्छी तरह से उसकी निकालना पड़ता है। तो अभी पानी तो ऊपर से बंद कर रखा है, हम लोगों ने पहले एक मग पानी का भर लिया था, तो यहाँ पे इसमें एक एक पार्ट्स इसके वॉश कर रहे हैं। वॉश करके फिर अभी इसको इंस्टॉल करेंगे तो आप लोगों के सामने। तो वीडियो थोड़ा लंबा है दोस्तों, आप लोग अच्छी तरह से देखो कैसे कैसे मैंने इसको पार्ट्स लगाए हैं, कैसे कैसे इस पार्ट्स को मैंने साफ़ किया है। तो इसके अंदर एक एक चीज़ के ऊपर जो छोरा है वो निकाल रहा हूँ, निकाल के तो जैसे ही मेरे को शक हो रहा है जहाँ पर भी हल्का सा भी छोरा है, क्योंकि इसके अंदर हल्का सा भी गैप आ जाए तो लीकेज शुरू हो जाती है, क्योंकि ये सिल्ली है जो दोनों आपस में टच करके चलती है, जैसे डिक्स होती है, डिक्स के अंदर सिल्ली होती है, इसे कार्ट्रिज के अंदर सिल्ली होती है, तो कई तरह की कार्ट्रिज आती है, डिवाइडर के अंदर भी कार्ट्रिज आती है, छोटी वॉल बॉडी के अंदर भी, और बेसन मिक्सर के अंदर भी कार्ट्रिज आती है, शिंक मिक्सर के अंदर भी कार्ट्रिज आती है। और दोस्तों ये सामने जो 233 वाली बॉडी लगी हुई इधर सामने जो गोल्ड कलर की, इसके अंदर भी कार्ट्रिज आती है। तो ये कार्ट्रिज कई तरह की होती है, तो हर कार्ट्रिज का अलग अलग पर्पज होता है, तो ज़रूर नहीं है कि कई बार टूट भी जाती है खोलते समय, तो बड़ी बी केयरफुल से इसको खोलना पड़ता है। आप लोग थोड़ा ध्यान से पहले इसको देखना, देख के फिर इसको आराम से खोलना। पूरे औजार भी आपके पास होने चाहिए, क्योंकि मेरे पास तो पूरे नहीं थे, मेरे को तो थोड़ी नॉलेज थी, तो मैं इतने बड़े पेचकस से कर रहा हूँ इसको साफ, नहीं तो हल्का सा छोटा सा, क्योंकि इसके अंदर लॉक लगे होते हैं दो, तो लॉक बहुत ही हल्के से होते हैं, टूट जाते हैं, क्योंकि पानी के अंदर रह रहे के उसकी ताकत बहुत कम हो जाती है। तो जैसे हमारे इधर सिटी में बहुत ज़्यादा शोरा है पानी के अंदर, तो इसी की वजह से ज़्यादातर ये कार्ट्रिज जल्द से जल्द ख़राब हो जाती है। तो अभी जो भी पार्ट्स रह रहा है उसको अच्छी तरह से मैं साफ़ कर रहा हूँ, देखो आप लोगों से देखो पूरा टाइम लगा के इसको पूरा अच्छी तरह से साफ़ करके, जो कि एक भी उसके अंदर शोरे का कण ना रह जाए, अगर एक भी हल्का सा भी उसके अंदर लग गया तो ऊपर जैसे इसको कार्ट्रिज चलेगी तो फिर उसके अंदर गैप रह जाएगा, गैप रहने की वजह से पानी फिर टप टप करने लग जाएगा, गला थोड़ा ख़राब हुआ पड़ा है दोस्तों, कोल्ड हो रखा था, तो फिर भी ये ठंडे पानी के अंदर एक वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए। थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा, काम का वीडियो लगा तो ही मैं बना रहा हूँ ये वाला वीडियो, क्योंकि ऐसे तो काम चलते रहते, काफ़ी ग्रुप पे जाते रहते रिपेयर,
तो नॉर्मल जो होती है वो वाला वीडियो नहीं मैं बनाता हूँ, तो ये वाला थोड़ा काम का वीडियो था, डुप्लीकेट वीडियो था, तो इसलिए मैंने ये वाला वीडियो बनाया दोस्तों आप लोगों के लिए। तो अभी इसको, इस रॉड को भी देख रहा हूँ, तो ये देखो ये हल्का सा लॉक है, इसके अंदर पहले मैंने स्प्रिंग डाल दिया फिर ऊपर से ये लॉक डाल दिया। दोस्तों ये वाली चीज़ का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा आप लोगों को, हल्का सा छोटा सा स्प्रिंग है अगर ये घूम गया तो फिर ये कार्ट्रिज किसी काम की नहीं है दोस्तों। तो पहले इसको ध्यान से अच्छी तरह से जहाँ पे ये लॉक जा रहा है वहाँ पे इसको डाल दो। तो अभी इसको पूरी रेडी हो चुकी है, तो अभी इसको देखते हैं सेटिंग आ गई तो एक बार लॉक वगैरह लगा के फिर इसको ले चलेंगे वहाँ पे इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करके फिर ऊपर से पानी छोड़ के भी आप लोगों को दिखाऊंगा। तो ये देखो दोस्तों इस तरह से एक एक पार्ट्स आप जैसे जैसे खोल रहे हो वैसे वैसे ही लगा देना ध्यान से, थोड़ा जैसे इसकी सेटिंग है प्रॉपर वैसे ही लगाना। तो अभी ये सेटिंग आ रही है तो सेटिंग करके अभी इसको लॉक लगाएंगे। दोस्तों आप लोग वीडियो देखते हो प्लीज़, तो वीडियो को शेयर भी कर दिया करो जो कि आगे भी किसी के काम का आ सकता है। मेरे को जितनी नॉलेज है मैं उतनी ही आप लोगों को दिखाता हूँ, तो उतनी ही मैं अपना दिमाग यूज़ करता हूँ जितनी को मेरे को नॉलेज है, क्योंकि काम तो ऐसे सारी ज़िंदगी आदमी सीखता ही रहता है, काम सीखने की उम्र कभी नहीं घटती, तो सारी ज़िंदगी आदमी सीखता रहता है। जब जब टाइम होता है तो नया से नया काम आता ही रहता है। तो ये देखो अभी थोड़ी सेटिंग नहीं आ रही तो जैसे इसकी सेटिंग आ जाएगी तो अच्छी तरह से प्रॉपर ये लॉक लग जाएगा जहाँ भी अभी अपनी जगह पे चला जाएगा तो फिर ये लॉक लग जाएगा। तो अभी इसमें हल्का सा कोई गैप है तो इसकी वजह से ये लॉक नहीं लग रहा है। तो एक बार फिर इसको निकाल के अच्छी तरह से देखते हैं। तो दोस्तों इसका अच्छी तरह से लॉक लग चुका है, तो थोड़ा टाइम लग गया था। तो अभी ये देखो अभी यहाँ पे मैंने इसको कार्ट्रिज को दोबारा इंस्टॉल कर दिया है। तो अभी इसको तो एडजस्टमेंट प्लास से इसको कसेंगे। तो कोशिश किया करो ये वाला ही टूल्स यूज़ किया करो आप लोग इस तरह के काम के लिए। तो अभी जब जैसे ही अपने को लगेगा, इसको ज़्यादा भी टाइट नहीं करना है, जहाँ पे इसकी हल्की सी टाइटनेस होएगी वहीं पे आप लोगों को इसको कर देना टाइट। अगर ज़्यादा टाइट करोगे तो फिर कोई ना कोई गड़बड़ हो जाएगी। तो ध्यान से थोड़ा दोस्तों, तो अभी ये लग चुका है दोस्तों, तो अच्छी तरह से ये सारा टाइट हो चुका है। तो अभी ऊपर से पानी छोड़ने के लिए जाएगा लड़का, तो अभी इसके लिए पानी छोड़ेंगे। तो दोस्तों ये वाले इसके पार्ट्स बाकी के पड़े हैं, तो अभी मैंने वीडियो पूरा सही ढंग से बना रहा हूँ दोस्तों, पहले मोबाइल सीधे से वीडियो बना रहा था। तो ये देखो बहुत ही लग्जरी बाथरूम है, बहुत ही खूबसूरत बाथरूम बना हुआ है, किसी टाइम पे ये बहुत ही अमेजिंग अल्टीमेटर बाथरूम था, अभी तो इसकी शाइनिंग ख़त्म हो चुकी है गोल्ड की। तो ये ऑटोमेटिक सीट्स भी है। तो अभी यहाँ पे दोस्तों पानी चल चुका है, तो नीचे टैप के अंदर पानी आ रहा है। तो दोस्तों बिल्कुल सही रहा है, देखो एक भी बूंद नहीं, पहले जब यहाँ पे टप 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 इतना पानी लीकेज कर रहा था नीचे पानी के अंदर, फर्श के ऊपर गिर गिर के बहुत ज़्यादा इसने तहलका मचा रखी थी पानी ने, तो अभी ये बिल्कुल एक्सेसफुल रहा है दोस्तों, बिल्कुल सही हो चुका है। तो आप लोग देख ही रहे हो, आप लोगों के सामने ही है, तो पानी बिल्कुल लीकेज नहीं कर रहा दोस्तों, बिल्कुल एक्सेसफुल रहा है। तो आप लोगों के सामने मैंने इस कार्ट्रिज को रिपेयर किया है, तो आप लोगों को कैसा लगा वीडियो आप ज़रूर बताना कमेंट करके। तो और भी कोई ऐसा आप लोगों के लिए सुझाव और कोई इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हो तो आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताना। तो अभी इसके पार्ट्स बाकी के इसके ऊपर अभी हम लोग इंस्टॉल करेंगे, तो वो भी आप लोग देखो, पहले इसके अंदर ये एक कप है, कप लगा के फिर इसके अंदर ये एक नोब लगेगी दोस्तों, नोब लग के फिर इसके ऊपर पेच लगेगा। तो अभी इसके ऊपर जो इसका स्क्रू है बड़े वाला वो लगा देंगे, फिर इसको कसेंगे।
तो अभी स्क्रू ड्राइवर से कसेंगे। तो अभी ये देखो हम लोग उन्हें इसको टाइट कर रहे हैं, क्योंकि ये अंदर आ जाती है काटर, इसके ऊपर एक और पार्ट्स लगता है, तो पार्ट्स लग के ये बाहर आती है। तो ये इस तरह से लग गई है। तो अभी इसके ऊपर नोब्स वगैरह, ये अभी प्लेट भी लगाएंगे आप लोगों के सामने। तो प्लेट देखो शोरे की वजह से कैसे ख़राब हो चुकी है। तो पहले गोल्ड थी यहाँ पे, तो ये देखो दोस्तों अभी प्लेट लग चुकी है। तो अभी इसकी नोब्स लगाएंगे, पहले ऊपर वाली लगाएंगे फिर नीचे वाली लगाएंगे। ऊपर वाला दोस्तों एडजस्टमेंट है, तो नीचे थर्मोस्टेट है, तो ये विद थर्मोस्टेट वाला बॉडी जेट, यहाँ पे 6 बॉडी जेट लगे हुए हैं और ऊपर रेन शावर लगा हुआ है। तो जी अभी इसका पहले एल की वाला नट लगा लेंगे दोस्तों, इस तरह से बिल्कुल सीधा लगाना है, जैसे ही आप खोलो वैसे ही लगाना है। तो अभी इसको नीचे से नोब एल की से इसका नट कस देंगे। तो दोस्तों इस तरह से इसके नट कस के आप लोग फिर इसके ऊपर एक और लगेगा इसका पार्ट्स हल्का सा, ये देखो शल्की सी ये नोब्स है, तो ये वाली नोब्स भी लगेगी यहाँ पे। तो इस तरह से नीचे से जैसे वो डबल जो एलकी वाला नट है उसके ऊपर डबल चूड़ी है, एक तो अंदर और एक ऊपर से बाहर, तो इसके अंदर ये ऊपर से लग जाती है। तो अभी ये दूसरा थर्मोस्टेट वाला नट है, तो इसको भी लगाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों आप लोगों को कैसा लगा वीडियो आप ज़रूर बताना कमेंट करके। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, और साथ के साथ वीडियो को दोस्तों शेयर भी कर दिया करो। आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते हो, वीडियो देखते हो, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को शेयर कर दिया करो। अगर किसी और के काम का होगा तो किसी और काम आ सकता है ये वाला वीडियो। तो कई बार क्या होते हैं, नए प्लम्बर भाई होते हैं, उनको ज़्यादा नॉलेज नहीं होती, तो कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिल जाता है इसके वीडियो के अंदर। तो हर वीडियो के अंदर मोटिव यही होता है, कुछ ना कुछ दिखाने का ही, तो कोशिश होती है कुछ ना कुछ आप लोगों को दिखाएं सिखाएं। तो बीच में कुछ ना कुछ दूसरे वीडियो भी हमारे हो जाते हैं, जो कई बार एक वीडियो जैसे मैंने पीछे यूनियन का डाला हुआ है, तो कुछ मीटिंग्स के वीडियो डाले हुए हैं, तो हर तरह का वीडियो डालते हैं हम लोग। तो कोशिश रहेगी, तो ऐसे भी कोई ना कोई काम के रिलेटेड, तो 100% ये चैनल इसीलिए बनाया है कि काम के रिलेटेड ही वीडियो आप लोगों को दिखाऊँ। तो कोशिश किया करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा ये वाले वीडियो ही दिखाऊँगा आप लोगों को। जैसे ही कोई अच्छा वीडियो मिलेगा रिपेयर वाला, या कोई काम ऐसा अटका हुआ जो डिफ़िकल्ट हो, तो वो वाला वीडियो ही डाल दूँगा आप लोगों के लिए। तो जैसे अभी पीछे मैंने एक फ्लैटों में एक काम कंप्लीट कर रहा हूँ, तो उसका भी एक वीडियो मेरा मन है कि डाल लेगा। वहाँ पर सीट्स वॉश मशीन वगैरह इंस्टॉल हो रहे हैं काफ़ी सारे, तो वो वाला वीडियो भी डाल दूँगा थोड़ी देर में। तो अभी ये यहाँ पे प्रोसेस पूरा हो चुका है दोस्तों। तो कैसा लगा वीडियो आप ज़रूर बताना कमेंट करके। तो तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार। तो नेक्स्ट वीडियो के वेट करो।